नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। भारत से बातचीत के लिए पाकिस्तान बेताब है। वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर चिट्ठी लिखी है। उन्होंने ये खत दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीद को लेकर लिखा है। इमरान खान ने पीएम मोदी से साउथ एशिया और पड़ोसी देशों में शांति के लिए मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। सूत्रों के मुताबिक चिट्ठी में कश्मीर विवाद का भी जिक्र है। बता दें कि प्रधानमंत्री इमरान का खत ऐसे मौके पर आया है जब भारत ने गुरुवार को कहा कि 13-14 जून को किर्गिस्तान के बिश्केक में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष इमरान खान के बीच कोई द्विपक्षीय बैठक की योजना नहीं है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि ये प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा अपने भारतीय समकक्ष को लगातार तीसरा पत्र है जिसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की पेशकश की है। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों के शहीद होने और जवाब में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद से दोनों देशों के रिश्ते पटरी से उतरे हैं। हालांकि इमरान खान ने कई बार बातचीत के जरिए संबंध सुधारने की बात कही, मगर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ नहीं चल सकते। इसी तरह की न्यूज अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।